दोस्तों आपके फेवरेट शो उड़ारिया में उ क्या हो रहा है क्या देख रहे हैं हम एपिसोड में चलिए बात करते हैं नमस्कार आप देख रहे हैं बॉलीवुड स्पाय। दोस्तों एपिसोड में हम देखते हैं जैस्मिन मजे से गाड़ी चला रही होती है और बीच में गाड़ी से कुछ टकरा जाता है और डर जाती है आगे दोस्तों बाहर आकर जैसमिन देखती है तो वो बस एक पुतला होता है हम देखते है, फते हैं फतेह है सामने आ जाता है और कहता है डर सबको लगता है जैसमिन और एक्सीडेंट में हमेशा चलाने वाले की गलती नहीं होती इसलिए मेरे भाई को डराना बंद करो आगे दोस्तों कहती है तुम्हारी हालत देख तो लग रहा है तुम्हारे भाई से ज्यादा तो तुम डरे हुए हो आगे हम देखते हैं फतेह कहता है तुमने जो किया है ना उसके बाद मन तो कर रहा है कि मैं तुम्हें मार दूं। और फिर जैसमिन यहाँ पर अपना एक ड्रामा क्रिएट करती है दोस्तों आगे हम देखते हैं जैसमिन कहती है इस बार तो तुमने अपने भाई को बचा लिया लेकिन अगर तुमने मेरी शर्तें नहीं मानी तो मैं उसे बचने नहीं दूंगी

आगे दोस्तों फतेह के पापा कहते हैं लॉयर ने हाथ ऊपर कर दिए हैं जिस पर फतेह कहता है मैं अमरीक के सारे इल्जाम अपने सर ले लूंगा आगे दोस्तों फतेह गिड़गिड़ाता है पापा के सामने और कहता है प्लीज मुझे ये सब करने दीजिए अमरिक के लिए मुझे ये कर लेने दीजिए आगे हम देखते हैं दोस्तों तेजो फतेह को मिलने बुलाती है और कहती है उसे सब सच पता है डोंट वरी मैं किसी से कुछ नहीं कहूंगी आर यू श्योर कोई और दूसरा रास्ता नहीं है तुमने जैस्मिन के सामने घुटने टेक दिए जिस पर फतेह कहता है नहीं उससे ये साबित होगा कि जैसा वो चाहेगी वैसा नहीं होगा आगे दोस्तों तेजो और फतेह अपनी पुरानी कॉलेज लाइफ की यादों में खो जाते हैं और हम यहाँ पर दोनों के बहुत अच्छे मोमेंट्स देखते हैं दोनों बहुत ज्यादा खुश होते हैं दोस्तों आगे दोस्तों तेजो और फतेह स्कूटी पर निकलते हैं और कॉफी पीने रुकते हैं और तेजो कहती है मैं जेल में आऊंगी तुम्हें मिलने दोनों बहुत इमोशनल हो जाते हैं और दोस्तों एपिसोड खत्म हो जाता है अभी के लिए इतना ही देखते रहिए बॉलीवुड स्पाई